आज बाल दिवस है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से जो पार्टी सालों साल उनकी नाम की रॉयल्टी खाती खा रही है वो कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में एक बालिका को न्याय नहीं दे रही है। मैं बात कर रहा हूँ मानक SOS गृह में रहने वाली बालिका से हुए अनाचार की। उसके साथ पिछले वर्ष जनवरी से मई के मध्य अनाचार होता है और 5 माह बाद जब उसे गर्भ ठहर जाता है, 5 माह का गर्भ होने के बाद नवंबर में FIR दर्ज होती है और बालिका के बयान पे एक आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस जेल में डाल देती है। कालांतर में जब बच्ची एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चा उसमें मृत्यु हो जाती है, उस बच्चे के DNA से जेल में बंद आरोपी का DNA मैच नहीं खा रहा है। ये अपने आप में साफ बताता है कि उस बच्ची के साथ एक से अधिक लोगों ने अनाचार किया है, मतलब ये सामूहिक दुराचार का मामला है। लेकिन इस बारे में पुलिस, छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी है, ना मालूम उसे किसे बचा रही है। यहाँ की महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी कहती हैं कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, इसमें बहुत गंभीर प्रश्न ये है कि जिस SOS बालिका गृह में किसी पुरुष का जाना वर्जित है, वहाँ एक से अधिक लोग उस बालिका से अनाचार करते हैं। जब बयान लेने की बात आती है तो संस्था द्वारा सारे कर्मचारियों का बाहर ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब कानून के साथ सीधा खिलवाड़। पास्को एक्ट कहता है कि आरोपी के साथ साथ जो इस मामले को दबा कर रखे या आरोपियों को संरक्षण दे, उनके ऊपर भी पास्को एक्ट लागू होना चाहिए। एक और गंभीर मामला, उस बालिका को आज तक उसी SOS गृह में रखा गया है तो वो निष्पक्ष बयान कैसे देगी? उसे दबावपूर्ण ढंग से रखा गया होगा, ये निश्चय है। उससे भी गंभीर एक और मामला कहता हूँ, उस बालिका गृह में अभी भी 50-60 के आसपास बालिका है, उसकी सुरक्षा को लेकर अभी तक किसी ने कोई चिंता नहीं की है। मैंने इस बारे में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को शिकायत की है और उनसे जांच की मांग की है कि जल्दी से जल्दी वे छत्तीसगढ़ आकर उस बालिका गृह की जांच करें, उस बालिका को न्याय दिलाएं और बाकी बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।